भाई साउथ अफ्रीका गया और उनका हाल चोकरों वाला साबित होगा, और चोकर हमेशा से आपने देखा नहीं है कि वो 60-70-100 पे पूरी टीम ढेर हो जाती है। अगर टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की ना तो मुझे लगता है टीम इंडिया जो है कम से कम 300 या 250 तो समझ आती है 20 ओवर में। ये वही टीम है जिसको इन्होंने बल्कि इससे भी ज्यादा टीम दी। हाँ जी, 20 में वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर भाई मैं कहता हूँ 99% चांसेस आ गए थे कि साउथ अफ्रीका जनरल चैंपियन बनने वाला है। इसकी में पहली दफा, लेकिन तब भी ये चोक कर गए भाई। वहां पे भी जो है ना वो इंडिया ने बाजी मारी। हार्दिक पांड्या भाई, जसप्रीत बुमराह भाई, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह का कैच पकड़ा था वहां पे, मैं कहता हूं सर आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा था वहां पे, और इंडिया जो है ना वो चैंपियन बना था। नाज़रीन बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज पे भाई। 4 टी20 मैचेस खेले जाएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के मबैन। बात हम ये करेंगे, इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया था न्यूजीलैंड सीरीज के दरमियान ही, लेकिन हमने उस पर बात नहीं की। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे जो स्क्वाड आया भाई कितना ज्यादा डेंजरस है, और इसके साथ भाई 4 मैचेस की सीरीज है। इंडिया सीरीज जीतेगा, साउथ अफ्रीका सीरीज जीतेगा, या सीरीज का रिजल्ट क्या बनेगा? सर सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाड पे भाई। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, हार्दिक पांड्या है, बड़े बड़े तगड़े प्लेयर्स आ गए हैं वापस, क्या बनने वाला है? जो हमेशा से बनता नजर आया, और देखा जाएगा यहाँ पे इंडिया टीम इंडिया जो है वो चुमा निकाल देगी, और इसी तरह निकालेगी जिस तरह रिसेंटली आपने तमाम मैचेस देखी होंगे। जो ये लास्ट टी20 खेला तो 297 रन मारे थे, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे टीम इंडिया इस टाइम जो है जितनी स्ट्रॉन्ग टीम बनके उभरी है वो कितना मारेगी। वो बांग्लादेश के अगेंस्ट मारा था, और यहाँ पे आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम भी एक चोकर टीम है, कभी भी किसी भी टाइम जो है वो गिर सकती है। या अगर खेलने पे आए तो वो पाकिस्तान जैसी टीम, कभी कभी जैसे पाकिस्तान का हाल होता है कि कभी जीत गए तो जीत गए, ना जीते तो हार गए, तो यहाँ पे बिल्कुल वही चोकर साबित होने वाली है टीम यहाँ पे साउथ अफ्रीका। भाई 4 मैचेस हैं और चारों खाने चित्त होने वाली साउथ अफ्रीका। भाई स्क्वाड आप देख लो कितना डेंजर स्क्वाड ऐलान किया हुआ है टीम इंडिया ने। तो मैं कहता हूँ ओवरऑल अगर पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो भाई सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के अंडर इंडिया कोई भी वाइट बॉल की सीरीज नहीं हारा भाई। वो चाहे श्रीलंका में जाके हो, वो चाहे बांग्लादेश इनके यहाँ आई हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के अंडर। तो मैं कहता हूँ अभी भी साउथ अफ्रीका जो है ना वो कितनी बड़ी टीम नहीं है भाई। ये वही टीम है जिसको इन्होंने बल्कि इससे भी ज्यादा डेंजर टीम दी। हाँ जी, 20 में वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर भाई मैं कहता हूँ 99% चांसेस आ गए थे कि साउथ अफ्रीका जनरल चैंपियन बनने वाला है। इसकी में पहली दफा, लेकिन तब भी ये चोक कर गए भाई। वहां पे भी जो है ना वो इंडिया ने बाजी मारी। हार्दिक पांड्या भाई, जसप्रीत बुमराह भाई, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह का कैच पकड़ा था वहां पे, मैं कहता हूं सर आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा था वहां पे, और इंडिया जो है ना वो चैंपियन बना था। तो मैं कहता हूं फिर अब वहां भी अब साउथ अफ्रीका में क्या है, अभी तो टीम भी नहीं है यार उनके पास, अब तो वो टीम रही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका मोराल थोड़ा बहुत हाई है। लेकिन उस मोराल का क्या फायदा जिस टीम में अभिषेक शर्मा होना भाई सामने वाली टीम में, तो मैं कहता हूं भाई दूसरी टीम की कोई खैर नहीं है भाई। दूसरी टीम है अभिषेक है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है भाई। अभी किस किस को रोकोगे? बॉलिंग में आते हैं हर्षदीप है भाई, अवेश यादव है, उसके बाद बात करें अवेश खान है भाई, उसके बाद चक्रवर्ती भी है सर, वॉरियर्स हैं ये। मैं कहता हूं इन लोगों ने जब वहां पे खड़े होकर क्रिकेट खेल लिया ना तो साउथ अफ्रीका को लग पता जाना है भाई। मैं कहता हूँ 30 मार से 30 मार खान होंगे। लेकिन जो एक सबसे में आपने देख लिया है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज खेली जानी है टी20, उसमें कौन सी टीम ये सीरीज जीतेगी। पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी जो पब्लिक है उन्होंने अपने वोट और बताया है कि पाकिस्तान अवाम ने कि इंडिया ये सीरीज जीतेगा। तो फुल वीडियो की जानिब हम आपको ले चलते हैं, तो चलते हैं फुल वीडियो की जानिब। साउथ अफ्रीका की बजाएगा ना बैंड, वो तो साउथ अफ्रीका में जो है ना वो बाजे जब उसने बजाने है ना तो सुपर पार्क वालों के बाजे बजाने हैं। नजर आ रही है अभिषेक की, सूर्य कुमार की, हार्दिक की, किसकी नजर आ रही है? यार मेरी ख्वाहिश होगी यार अभिषेक सेंचुरी बनाए, जिस तरह का अभिषेक आईपीएल में हमें दिखाई देखने को मिलता है ना आईपीएल, काश वहां पे अगर वो तगड़ा दिखा देना तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश वाले रिकॉर्ड को आप भूल जाएंगे, एक नया रिकॉर्ड आप देखेंगे भाई इंटरनेशनल क्रिकेट लगेगा पहली दफा। हाँ सर 300 लगेगा मैं कहता हूँ, और अगर अभिषेक 100 मार गया तो सर स्क्वाड सारा ही बड़ा डेंजरस नजर आ रहा है। आपने एक स्पेशल प्लेयर पिक करना है जो इस पूरी सीरीज में भाई तगड़ा खेलेगा। हार्दिक पांड्या होगा, अभिषेक शर्मा होगा, संजू सैमसन होगा, सूर्य कुमार यादव होगा, कौन सा प्लेयर होगा? सर मैं किस प्लेयर की बात करूं, हर प्लेयर ही तगड़ा खेलने वाला है, सवा स्ट्रॉन्ग भाई सवा शेर क्यों नहीं है भाई। आपके सामने आपने देखा नहीं बांग्लादेश जैसी टीम को कैसे धोया था और किन प्लेयरों ने धोया था, तो भाई मुझे तो ऐसे लगता है यहाँ पे संजू सैमसन भी चलता नजर आएगा, अभिषेक भी चलता हुआ नजर आएगा, सूर्य कुमार भी और हार्दिक पांड्या भी। मैं किस प्लेयर की बात करूं कि भाई मैं कोई एक चूज करूं? साउथ अफ्रीका तो गया भाई, साउथ अफ्रीका गया और उनका हाल चोकरों वाला साबित होगा, और चोकर हमेशा से आपने देखा नहीं है कि वो 60-70-100 पे पूरी टीम ढेर हो जाती है। अगर टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की ना तो मुझे लगता है टीम इंडिया जो है कम से कम 300 या 250 समझ आती है 20 ओवर में। देखें अगर ये 300 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन
भाई खेलने पे आए तो जैसे बांग्लादेश को वो 270 बहुत मारता है भाई, बहुत मारता है। आपने देखा नहीं 270 प्लस स्कोर के नियर अबाउट हो गया था 297 अंदाजा 300 रन होने में सिर्फ 3 रन शॉर्ट थे। तो आप अंदाजा लगाएं, मैं यही तो बात कर रहा हूं कि यहां पे अगर टीम इंडिया इतना बांग्लादेश को मार सकती है तो चौकरों को नहीं मार सकती, बिल्कुल मार सकती है। और भाई साउथ अफ्रीका की विकेट्स भी तेज हैं, फास्ट बॉलिंग की विकेट्स हैं और बाउंड्रीज भी छोटी हैं और रन ज्यादा बनते हैं भाई। यहां पे टीम इंडिया की रन भी आप देखेंगे बनते हुए ज्यादा दिखाई देंगे और बॉलिंग अटैक की बात करें ना तो भाई टीम इंडिया डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है। वरुण चक्रवर्ती आए हैं, बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं, क्या साउथ अफ्रीका में भी करेंगे? करेगा, क्यों नहीं करेगा। चक्रवर्ती भाई एक उभरता हुआ नया सितारा है और जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दिखाई है बांग्लादेश के अगेंस्ट, मुझे तो लगता है यहाँ पे बांग्लादेश को भी वो साउथ अफ्रीका को भी उसी तरह से धोएगा। अब बात करते हैं कि ज्यादा मैचेस कौन जीतेगा, 4 मैचेस हैं कि इंडिया सीरीज जीतेगा, तो कितने मैच जीतेगा, क्या मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं जो है वो टीम इंडिया एक आधा मैच लूज कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज इंडिया जीत जाएगी, 3-1 से जो है वो टीम इंडिया अपने नाम ये सीरीज कर जाएगी। कितनी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया 3 जीतेगा, 90%, 10%, 20%, 40%? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 80-90% मैं चांसेस दे सकता हूँ, क्योंकि टीम इंडिया के ये स्टार्स वो कोई टेस्ट मैच वाले नहीं है, यहाँ पे यंगेस्ट प्लेयर है और यंग प्लेयर वाला एक भी प्लेयर एक प्लेयर नहीं है। और आप ये देखेंगे ये वो तमाम प्लेयर है जिन्होंने बड़ा मारा था किनको, बांग्लादेश को, और अभी रिसेंटली हुई है, अभी 10 दिन नहीं हुए, और ये तो भाई इनको रेस्ट करके आए हैं और ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मैदान में उतरेंगे और ये एक नया टैलेंट है, और जब नया टैलेंट मैदान में उतरता है तो भाई वो चपेड़े मारते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आती ये ब्लास्ट हुआ कहाँ से है और कहाँ कहाँ से जो है उनके चिथड़े उखाड़ के उन्होंने बाहर फेंका। भाई नीचे आप देखो जाके संजू सैमसन है, फिर सूर्य कुमार यादव है, फिर रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या को कैसे भूल सकते हैं, हार्दिक पांड्या को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, रिंकू सिंह को कैसे भूल सकते हैं भाई। 5 बॉलों पे 5 छक्के चाहिए थे आईपीएल के अंदर, उस बंदे ने खड़का के मार दिया। जिस बंदे को पड़े हैं वो भी स्क्वाड में, जिसने लगाए हैं वो भी स्क्वाड में, एग्जैक्टली वो जिसने लगाए हैं वो स्क्वाड में बिल्कुल। उसके अलावा रमनप्रीत सिंह मेरे ख्याल में इस तरह का, रमनदीप सिंह एग्जैक्टली वो भी जो है ना वो इमर्जिंग में है, जी इमर्जिंग में उस बंदे ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और इवन दो कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी जब अफगानिस्तान से बाहर हुई थी टीम इंडिया। तो भाई ओवरऑल जो है ना वो स्क्वाड बहुत डेंजरस है, मुझे यही लग रहा है कि 4-0 से इंडिया जो है ना वो स्वीप मारने वाला है, और स्वीप वो जो रिकॉर्ड है ना इनका इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो T20 सीरीज होने जा रही है, साउथ अफ्रीका की वो होम सीरीज है और इंडिया की टीम टूर करके साउथ अफ्रीका पहुंची है। 4 T20 इंतहाई इम्पोर्टेड है क्योंकि इंडिया अपना नया जो स्क्वाड है वो तैयार कर रहा है, नई सिलेक्शन की है उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर उनके नए उभरते हुए खिलाड़ी है, तो उनको लेकर जो है वो सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेड है, तो इसलिए जो है वो जो नए प्लेयर हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो टीम में रहेंगे। तो इस पर पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि साउथ अफ्रीका से इंडिया की टीम जो है वो बेहतर है, बेहतर क्रिकेट खेलती है, तो इसलिए इंडिया की टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टीमें अच्छी हैं, साउथ अफ्रीका की भी अच्छी टीम है, इंडिया की भी अच्छी टीम है, जो भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा और ज़्यादा चांसेस वैसे भी इंडिया के नज़र आ रहे हैं।